भाइयों, आज मैं एक ऐसे गन्ने के बारे में बात करूंगा जिसे मील आपके बुआना चाह रहा, मतलब 38 को तो बता रहा हूँ कैंसर है इसमें फलाना या बंद करना पड़ेगा। तो आज हम गन्ना वैरायटी 14 के बारे में बात करेंगे जिसे निंग है, जो थनभवन साइड है, या जो मील कह रहे हैं कि आपके 38 नहीं बोना ये बोना, तो उसके बारे में उसके नुकसान और फ़ायदे बताऊँगा मैं। तो वीडियो को मैं भाई लास्ट लो बने रही हो सभी। वह सबसे पहली बात तो इसकी नुकसान ही कर लें। देखो भाई, ये गेहूँ का है और ये ज़्यादा 40 क्रॉस निकलने का, मतलब 40 कुंटल का बीघा गन्ने। देखो कितने बारीक है इसमें, पत्ती तलवार है, हफ्ता तो छुटा ही था नहीं छूटने की। ये देखो, जो ठेकेदार 38 के गन्ने छोड़ने में 30 या 35 रुपये कुंटल का भाव ले, वो इसे 40 तो पहले छोड़ लें नहीं। दूसरी बात, ये इतना इसका गन्ना इतना कैडा पलकटी दंती, जो 8 दिन में ही लोहार का चटवानी पड़ा है, मतलब इतना कैडा गन्ना कटा है इसका। दूसरी बात, पिड्डी थमने की, जैसे पिड्डी होगी वो थमने की नहीं, चाहे उसे 4 बार बांध लो 5 बार बांध लो, गिरनी ज़रूर है। और जब पिड्डी गिर जाए तो वो उसे छोलने कोई तैयार नहीं होता। ठेकेदार मांगे 40-45 रुपये, फिर चलो छुल भी जा, फिर जैसे ट्रॉली में भरे हैं, ट्रॉली में उसके गन्ने जो हैं मुड़ जाएँ तो 20-25 कुंटल गन्नों में ट्रॉली ऐसी दिखे 9-10 फुटी अग भाई अग नहीं आने के। तो भाई ये इसके नुकसान है। और सबसे बड़ी बात, पेड्डी तो इसकी फिर भी 70-80 की निकल जा, बोर्ड तो इसका जो है कम ही निकला है, 40 गेहूँ का तो 40 और बहन का 60-70 मुश्किल थे। तो भाई इसे जो है बिल्कुल ना बोएं, नहीं तो हाथ खा लेगा यू। और दूसरी बात, इतना बड़ी गन्ना हो इसका 38 की, जो 10 पूड़ी करता हो कोई भाई, तो वो इसकी तो 5 की होंगी बस उस पर, क्योंकि पत्ती नहीं उतर के देती इसकी, बहुत कैडी पत्ती हैं, फिर बंधाई का खर्चा बहुत है। और भाई ये बस इसकी एक ही खूबी, ये उन जंगलों में, मतलब उन गांव में है ज़्यादा फायदेमंद, जहाँ नुकसान ज़्यादा, जैसे सुअर का है, नीलगाय मिल गए, इसका कोई गन्ना तोड़ नहीं सकता, नुकसान नहीं है, ना सूर खावे ना कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो फ़ायदे इसके, कहीं भी इसे बोलो वहीं हो जाएगा यूँ। तो भाई ये जो भाई आपका सोच रहे थे इसे बोल रहे हैं बढ़िया जंगल है, तो बिल्कुल ना भैया, नहीं तो घाटे में जाओगे। और 38 ही बहु या 38 तक कोई दूसरा बोले जो अर्ली में बढ़िया आता हो। और एक बात और, ये जल्दी सी जो है ब्यांत भी नहीं करता, अकेला गन्ने खड़ा रहा इसका, जैसे बहुत दिया बहुत दिनों में जाकर ब्यांत करा, आप देख लो कितना छिद्दा आई, देखो दूर दूर है इसके मेहदे, देखो कितना छिद्दा। और भाई ये ज़्यादा बध गया तो इसकी मेल धुआनी पड़ेगी, गिरेगा जब भी, बोर्ड भी इसका थमता नहीं जो वाहन का बोर्ड है। ये देखो, और ट्रॉली भरने में जो है पूरी आगे पीछे दोनों ढबट जा, बीच में आदमी तो उसकी दही तोड़ ले। देखो भाइयों, इस बीज की पेड्डी है, गन्ना देखो कितना बारीक है, और देखो गिर भी रही, ये तो इन्होंने किसानों ने सही बांध रखी है। और देख लो गन्ना, देखो तुम कितना बारीक है इसका, इसमें मिक्सचर है, कुछ जुड़े हैं इसके, कुछ वैसे भी हैं 38 के। तो भाई ये बात बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो वीडियो को। धन्यवाद।